एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट और टीम व्यूअर सारी रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन है। जबकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अगर आपके फोन पर इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन है तो पेटीएम ओपन नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अपना पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करा और बिना किसी प्रॉब्लम के मेरा पेटीएम जो है वो ओपन हो चुका है, जबकि मेरे फोन पर ये सारी एप्लीकेशन मौजूद है। अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं अपनी पेटीएम ऐप के साथ इन सभी एप्लीकेशन को यूज करना तो दोस्तों आप इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको और आपके साथ काफी लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके साथ आप पेटीएम एप्लीकेशन और एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर ये आप एक साथ फोन पर रखकर भी पेटीएम को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं समरजीत सिंह, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्योर टेक टॉक। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। सबसे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा मेरे फोन पर पेटीएम एप्लीकेशन एकदम अच्छे से काम कर रही है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जाना होगा मेन्यू पर और मेन्यू पर सबसे नीचे आपको मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है। सिक्योरिटी सेटिंग्स में फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे लास्ट में एक नया ऑप्शन मिला है, अलाउ रिमोट डेस्कटॉप एप्स ऑन फोन। जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये आपको यहाँ से बंद मिलेगा, बस आपको सिंपली यहाँ पे इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपके पास एक सिक्योरिटी अलर्ट आएगा जिसपे कहा जाएगा कि रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन का कोई फ्रॉडस्टर मिस यूज कर सकता है आपकी मनी स्टील करने के लिए, जो आपको वापस नहीं मिलेगी। आप यहां पे यस आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आप इस पेटीएम ऐप को बंद कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। यदि आप पहले इन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करेंगे, पहले आप पेटीएम में यह सेटिंग करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों आप पेटीएम ऐप को ओपन कर पाएंगे। अगर आप पहले से ही डाल देंगे एप्लीकेशन, पेटीएम ऐप ना ओपन होगा ना आप इस सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे पेटीएम ऐप को ओपन कर रहा हूँ और मैंने वो सेटिंग बंद कर दिया। फ्रेंड्स देखेंगे आपको एक सिक्योरिटी अलर्ट मिला और ये जो है फ्रॉडस्टर द्वारा यूज की जा सकती है, आपकी मनी जो है चोरी करने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सिक्योरिटी अलर्ट में साफ साफ लिखा है, नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या किसी ने आपको पेटीएम केवाईसी करवाने के लिए या अकाउंट सस्पेंड होने से बचने के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहा है। मान लीजिए आपके पास किसी फ्रॉड का फोन आता है और किसी ने आपको ये कहा, तो आप यहाँ यस करके और प्रोसीड कर दीजिए, आपकी पेटीएम एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपने अपने किसी काम के लिए, अपने ऑफिस के या अपने पर्सनल काम के लिए इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करा, तो आपको यहाँ पे नो करके बस प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपसे दोबारा बोलेगा कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एप्लीकेशन किसी जालसाज द्वारा यूज की जा सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके पैसे यहाँ से चोरी कर सकती है। तो इसके बाद भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे मार्क दिस एज अ सेफ कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे पेटीएम एप्लीकेशन बिल्कुल सही से काम करेगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए।